जीएफ कैसे पटाएं, अकेला हूं लाइफ में, कोई ट्रिक बता दीजिए। सवाल तो काफी गंभीर है। अगर तुम अभी तक यही नहीं सीख पाए कि जीएफ कैसे पटाएं, तो ये बहुत ही आपका दुर्भाग्य है। जिंदगी में किया क्या तुमने, तुम्हें ये भी नहीं पता। एग्जाम को लेकर तुम बात ही नहीं कर रहे हो, तो लग रहा है कि उधर तो तुम्हारी सीरियसनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, पहली बात, क्योंकि तुम एक नई रिलेशनशिप में टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हो, मतलब तुम्हें एग्जाम से ज्यादा लेना देना है नहीं, सीरियसली बताऊं मैं तो। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर वो स्किल तो होनी चाहिए ना कम से कम, वो भी नहीं है, वो भी तुम्हें मुझसे पूछना है बेटा। फिर तो बड़ा क्या गंभीर विषय है, काफी गंभीर विषय है। ठीक है, इस विषय में मैं आपकी ज्यादा मदद कर नहीं सकता हूँ। कुछ गणित वणित के बारे में पूछो तो बता दो मुझे, है ना। वैसे दो लोगों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे काहे पड़े हो, ये सब काम करके खुद की तो बर्बाद करोगे, सामने वाले की बर्बाद करोगे जिंदगी। पहले कुछ कर लो बेटा, लाइफ में कुछ कर लो, फिर सब चीजें भी हो जाएंगे। बिना कुछ किए हॉर्मोन्स जिस डायरेक्शन में तुम्हें लेना चाहते हैं ना, ले जाना चाहते हैं, अगर तुम चले गए तो तुम मूल मात्र एक जानवर की तरह रह जाओगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर आप अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से जिंदगी को जीने लगे तो आज के समय में गुजर बसर नहीं होने वाला तुम्हारा। ये वो जमाना नहीं है बेटा जब कंद मूल फल खा लिए, जंगल में निकल गए वहां खा लिए, है ना, सब सेल्फ सफिशियंट है। यहां तो तुम शहर में निकल जाओ तुम्हें पानी ना मिलेगा फ्री में, और तो छोड़ो पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा तुमको। ये वो जमाना आ गया है जहां रोकड़ा बहुत जरूरी है जीवन में। तो आप अपने हॉर्मोन्स के डायरेक्शन में जाके अपनी जिंदगी नहीं जी सकते हो। ठीक है, समय से सब हो जाएगा। आज की डेट का किंग और क्वीन कौन है, जिसके पास नौकरी है, जिसके पास एक स्टेबल इनकम है, अनफेयर एडवांटेज है उनको, सब मिलेगा तुमको। फिर सब तुमको पूछेंगे, ऐसे कोई नहीं पूछने वाला तुमको। तो हॉर्मोन्स को थोड़ा समझाइए, ठीक है, कि बेटा थोड़ा काबू में रहो कुछ दिन। ठीक है, अभी नौकरी लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझे कि नहीं।